मम्मी आज क्या बना रहे हो? आज मैं बना रही हूँ लौकी या घिया के पकोड़े। अच्छा, तो मौसम ठंडा है, थोड़ा बरसातों वाला है, तो पकोड़े खाने का मन करता है, तो सोचा आज घिया के पकोड़े बनाते हैं। वैसे भी आजकल की यंग जनरेशन घिया तो खाती नहीं, तो पकौड़े में के रूप में खा लेंगे या चीलों के रूप में भी खा सकती है, उनको पता भी नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात, जैसे हम पकौड़े बनाएंगे, वैसे तो बचते ही नहीं है, अगर बच जाए तो उनकी सब्जी बना ले, घिया के कोफ्ते हो जाएंगे। हाँ, ये बात भी सही है कि नहीं? तो है। इसके लिए मैंने एक छोटी घिया ली है, ठीक है, एक चम्मच साबुत धनिया, ठीक है। 8-10 कलियां मैंने लहसुन की कुतर ली है, इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका। एक हरी मिर्च और बेसन जितना डलेगा, ठीक है। और काली मिर्च और नमक मिर्च स्वाद के हिसाब से। काली मिर्च तो आपकी फेवरेट है, वो तो हाँ आप डालते ही डालते हो। बिल्कुल, जो लोग लहसुन नहीं खाते वो हींग डाल लें, हींग ठीक है, का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। ठीक है, तो पहले हम घिया को कद्दूकस कर लेंगे। ठीक है, घिया कद्दूकस हो गया है, अब इसका हमने रस नहीं निकालना, ठीक है, क्योंकि रस में ही तो असली चीज होती है, फिर क्या रह जाएगा रस निकाल दिया तो। सही बात है। अब मैं इसमें डालूंगी बेसन, पहले हम 4 चम्मच डालते हैं भर के, इसको मिक्स करके देखेंगे, जरूरत पड़ी तो फिर और डालेंगे। ओके, मतलब इसमें पानी नहीं डालेगा? नहीं, पानी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि घिया ऑलरेडी भी इसमें बड़ा पानी होता है। ठीक है, ये साबुत धनिया डाल दिया मैंने, ठीक है, लहसुन और हरी मिर्च डाल दी, ठीक है। अब मैं डालूंगी एक छोटा सा चम्मच बिल्कुल मेरी फेवरेट काली मिर्च, नमक मिर्च हम स्वाद के अनुसार डालेंगे, हाँ, लेकिन मिक्स करके हम एक बार चेक कर लेंगे। हाँ, नमक शुरू में थोड़ा कम डालें, क्योंकि ज्यादा नमक डल गया तो निकलना मुश्किल है। थोड़ी सी हल्दी, अच्छा, थोड़ी सी, बिल्कुल छोटी सी, पिंच ऑफ टर्मरिक, हाँ, मिलाएंगे। ठीक है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, ठीक है। हमारा मटेरियल बिल्कुल, 4 बड़े चम्मच मैंने डाले थे, वो बिल्कुल ये वाले चम्मच डाले थे, इसमें बिल्कुल पूरा आ गया है, 4 टेबल स्पून। हाँ, और हमें कोई डालने की जरूरत नहीं पड़ी, और सबसे बड़ी बात है पानी भी नहीं डालना पड़ा, पानी नहीं डालते इसमें बिल्कुल भी। और इसके दो एडवांटेज हैं, एक तो पकोड़े खा लो और दूसरा कोफ्ते। बिल्कुल, आप ज्यादा बना लो, ऐसे गोल गोल कोफ्ते बना लो और बाकी पकौड़े बना लो। ठीक है, इसमें आप तेल कौन सा यूज कर रहे हो? मैंने सरसों का यूज कर रही हूँ। ठीक है, तब हम पहले करके देखेंगे, थोड़ा सा डालकर भी हमारा तेल हुआ है कि नहीं। अब हम देखेंगे कि हमारा तेल गर्म हो गया, छोटा सा हमारा तेल बिल्कुल तैयार है, तो अब हम पकौड़े डालेंगे बाकी के। ठीक है, तेल जब गर्म हो जाए तो तेल को मीडियम लो कर देंगे। ठीक है, ये आप लोहे की कढ़ाई में बना रहे हो? लोहे की कढ़ाई में, मतलब अपने हिसाब से हम ले सकते हैं भी, हमें बड़ा पकौड़ा खाना है मटेरियल, या फिर छोटा पकौड़ा। बिल्कुल, पकौड़े हमारे बन गए हैं, तो मैं इनको निकाल रही हूँ। कभी भी आप फुल आंच पे ना पकाएं पकौड़े, क्योंकि वो बाहर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो एक बार तेल गर्म हो जाए तो उसको मीडियम लो कर दें आप, ताकि पकौड़े अच्छे से अंदर से भी पक जाएं। बिल्कुल, दिखाओ इनका कैसे कलर आ रहा है, डार्क ब्राउन पस्ता पकौड़े। तो आप इन्हें ट्राई कीजिए, और सारी सभी पकौड़े ऐसे बनेंगे। हमारे पकौड़े भी तैयार होने वाले हैं, और हमारी चाय भी तैयार हो रही है गर्मा गर्म। तो ऐसा है कि बच्चे कई बार नहीं खाते सब्जियां, तो आप उनको ये थोड़े छोटे बना के दे दें, उनको कहें कि ये मंचूरियन है, तो बड़े शौक से वो खा लेंगे। इस तरह उनका घिया भी खाया जाएगा सब्जियाँ, इसी तरह आप तोरी भी उनको खिला सकते हैं, टिंडे विंडे सब उनको खिला सकते हैं, शलगम वगैरह जो भी बच्चे नहीं खाते उनको आप ऐसे खिलाएं। तो हमारे गर्मा गर्म पकौड़े घिया के तैयार हैं बिल्कुल, खट्टी मीठी चटनी के साथ। तो ये खट्टी मीठी चटनी भी मैंने अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है, अगर आपको ये देखनी है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, और आप इंजॉय करें गर्मा गर्म चाय के साथ घिया के खस्ता पकौड़े। हाँ, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको अच्छे लगेंगे ये पकौड़े, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नए से नए नोटिफिकेशन मिलते रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।